चालाकी जो है हम लोग बचपन से ही सीखे। माँ ने कहा बेटा पप्पू आज हम पिक्चर देखने जाएंगे, लेकिन जब पापा आएंगे उनको बताना मत कि पिक्चर देखी। नहीं बताएंगे मम्मी। अब धीरे धीरे पप्पू भी सीख गया, अच्छा अच्छा ऐसे होता है, किसी चीज को बढ़ा के बताना है, किसी चीज को घटा के बताना है, किसी चीज को छिपा के बताना। वहां से हम लोग चालाकी सीखते गए और सीखते सीखते अंबार भर गया। अब मान लो कोई मार्केटिंग में आया तो बस वही छल कपट दिखावा। भगवान कहते हैं सब कुछ उठा के फेंकना होगा, और जिस अवस्था में तुम पैदा हुए थे वापस उसी अवस्था में अंदर से जाना होगा। सरलता का अभाव, हृदय सरल होना चाहिए। सरल स्वभावन मन कुटिलाई। भगवान कहते हैं भाई मैं चालाकी 400 बीसी से प्रसन्न नहीं होता हूं, क्योंकि मैं तुम्हारे अंदर बैठा हूं, इसलिए तुम भोले बन जाओ, एक भोले बालक के समान सरल बन जाओ। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। और हम लोगों को संसार में उल्टा अभ्यास हो गया, चालाकी 400 बीसी ये हम लोग करते चले गए, और जब भगवत क्षेत्र में आते तो वहां भी चालाकी, भगवान के सामने गए वहां भी चालाकी, भगवान मेरा ये काम हो जाए तो 1.25 लड्डू का भोग चढ़ा दूंगा, गुरु के सामने गए वहां पर भी चालाकी, आदत पड़ गई। जैसे कुत्ते की पूंछ टेढ़ी तो सदा टेढ़ी, जी हमने खींच के सीधी कर दी, आप क्या सीधी करेंगे, आप छोड़ेंगे वो फिर से टेढ़ी हो जाए। ये हम लोगों का एक सहज स्वभाव हो गया संसार में, और भगवान कहते हैं इसके विपरीत हमारे पुराणों में ऐसी सैकड़ों कथाएं हैं जो आप लोग सुने हैं अपनी माँ से, दादी माँ से, कि कैसे भक्तों ने भगवान को प्राप्त किया। एक मंदिर था, एक पंडित जी सेवा करते थे, सनातन धर्म मंदिर था, बहुत सारे भगवान थे। उन्होंने एक अनाथ बच्चे को रखा हुआ था अपनी सेवा में कि भाई इसकी देखभाल हो जाएगी, ये हेल्प किया करेगा। बच्चा बड़ा भोला था, तो पंडित जी जब पूजा करते थे बच्चा साथ साथ जाता था और पूछता था पंडित जी ये कौन है। बेटा ये हनुमान जी हैं, शंकर जी के स्वरूप हैं। अच्छा अच्छा मान लेता था, ऐसे नहीं कि भाई पत्थर की मूर्ति तो भगवान है। अब पंडित जी को तीर्थ यात्रा पे जाना था 2 महीने की। उन्होंने कहा बेटा मैं 2 मास का राशन छोड़ रहा हूं, जैसे मैं भोग लगाता था तुम भी ऐसे ही तैयार करके और डेली भोग लगा के ही खाया करना। ठीक है पंडित जी। अब अगले दिन लड़के ने भोग तैयार किया तो पहुंचा मंदिर गर्भगृह में। अब पंडित जी जब भोग लगाते पर्दा बंद करते थे, उसको तो पता नहीं क्या होता है वहां। उसने अनुमान से थाली रखी भगवान के सामने और कहा हे भगवान आकर खाइए। सब मूर्तियां खड़ी हुई हैं, कोई हिलने को तैयार नहीं। उसने कहा कि बात क्या है, उनको मेरा खाना पसंद नहीं आया। तो जाके उसको कचरे में फेंक दिया, फिर से बना के लाया, हे प्रभु अब तो ले लीजिए। फिर भी कोई भगवान हिलने को तैयार नहीं। उसने कहा ठीक है आप नहीं खाएंगे तो मैं भी नहीं खाऊंगा। पंडित जी ने बोला था खिला के और फिर खाना, तो उसने 24 घंटे अनशन कर लिया।
अब अगले दिन फिर तैयार करके लाया, आज तो खाइए। फिर सब मूर्तियां खड़ी हैं। उसने कहा लो तो बड़ी गड़बड़ है। अगर पंडित जी आए, उन्होंने देखा कि भगवान को मैंने खिलाया नहीं है, मुझे निकाल देंगे यहां से, और फिर मैं अनाथ हूं, मैं क्या करूंगा। तो उसने एक डंडा लिया और कहा खाते हो या नहीं खाते, मैं आपकी पिटाई कर दूंगा। अब वो डंडा क्या था, उसका विश्वास था, और उस विश्वास की ही तो भगवान प्रतीक्षा में। भाई भगवान तो उसी क्षण की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि हम विश्वास करें, भाव बनाए। वो बच्चे ने बनाया, इसलिए तो डंडा लेके मारने को तैयार हो गया। सब के सब भगवान हंसने लग गए, उनके हाथ पैर हिलने लगे। अब भगवान तो घट घट वासी है, कण कण में है। तो क्या कण कण में है और मूर्ति के अंदर नहीं है? सब जगह है, तो अपने श्री विग्रह में भी है। तो सारे के सारे भगवान पहुंच गए थाली में कि ठीक है फिर खाते हैं। और हनुमान जी तो ढेर सारा खाते जा रहे थे, उसकी थाली तो पूरी समाप्त हो गई। अब वो फिर जाके और भर के लाया, फिर बना के लाया। परिणाम स्वरूप वो दो मास की सामग्री तो एक सप्ताह में खत्म हो गई। अब क्या करें? अब वो मार्केट में जाके भिक्षा मांगता था, मंदिर में भोग लगाना है कुछ दीजिए, फिर उसको बना के और चढ़ाता था। पंडित जी 2 महीने के बजाय 1 महीने में वापस आ गए। उनने कहा बेटा बड़ी भूख लगी है, कुछ बना के लाओ। अरे पंडित जी सब तो खाली है, मैं तो भिक्षा करके ला दू, खाली है। अभी तुम्हारे पास 1 मास के राशन होने चाहिए। क्या किया है? मार्केट में बेच के पिक्चरें देखी हैं? अरे नहीं नहीं पंडित जी, भगवान बहुत खा लेते थे, मैं क्या करूं, और हनुमान जी तो खाते ही जाते थे। पंडित जी ने कहा बदमाश, भगवान बहुत खाते थे? अरे मेरे सामने भोग लगा के दिखा। फिर उसी प्रक्रिया से उसने बनाया और रखा और कहा आइए खाइए। अब कोई मूर्ति हिलने को तैयार नहीं, सब वैसे के वैसे पत्थर बने हुए। उसने कहा लो मैं तो अब जूठा से धो जाऊंगा। फिर से उसने डंडा लिया, खाते हो नहीं खाते पिटाई करूंगा। फिर सबके सब भगवान वहां पहुंच गए, खाने लगे। पंडित जी ने देखा मूर्छित हो गए, भाई ये क्या, मेरी पूरी लाइफ बीत गई और ये लड़के के थाली से भगवान आके साक्षात खा रहे थे। तो ये सरल स्वभाव, भगवान कहते हैं ऐसे तुम श्रद्धा युक्त बन जाओ, मान लो, सब बनावट नकलीपन सब छोड़ दो। लेकिन हम लोगों को इसके विपरीत आदत पड़ गई, चालाकी जो है हम लोग बचपन से ही सीखे, और मैं तो कहूंगा सबसे पहले माता पिता ने चालाकी सिखा दी। माँ ने कहा बेटा पप्पू आज हम पिक्चर देखने जाएंगे, लेकिन जब पापा आएंगे उनको बताना मत कि पिक्चर देखी। नहीं बताएंगे मम्मी। अब वो पिक्चर देख के आए, पिताजी जब ऑफिस से आए, बच्चा उनकी गोद में है, कहता है पिताजी आज हमने पिक्चर देखी है और मम्मी ने कहा है कि आपको बताना नहीं। अब वो लड़का भोला है, वो जानता नहीं भी ये सच क्या होता है झूठ क्या होता, जो हुआ है उसने बता दिया, सीधा साधा है ना। और पापा तो हंसने लग गए बात को सुन के। मम्मी रसोई में खड़ी थी, उसका टेम्परेचर तो 100 पे पहुंच गया, इसने पोल खोल दी। तो जब पापा वहां से गए, मम्मी ने एक झापड़ लगाया पप्पू को, मैंने क्या समझाया था पापा को, नहीं बना बताना है। अब वो पप्पू हैरान है कि भी जो हुआ मैंने बताया, ये झापड़ क्यों लग रहा। लेकिन पप्पू तू मम्मी से पूछना मत कि क्यों झापड़ लगा, वरना एक और लग जाएगा। अब धीरे धीरे पप्पू भी सीख गया,
अच्छा अच्छा ऐसे होता है, किसी चीज को बढ़ा के बताना है, किसी चीज को घटा के बताना है, किसी चीज को छिपा के बताना। तो एक दिन उसने मम्मी को भी झूठ बोल दिया। अब मम्मी ने फिर से झापड़ लगाया, मुझे झूठ बोलता है? मम्मी आपने तो मुझे बताया था ना कि पापा को सच बात मत बताओ, तो आपको क्यों बताओ? वहां से हम लोग चालाकी सीखते गए और सीखते सीखते अंबार भर गया। अब मान लो कोई मार्केटिंग में आया तो बस वही छल कपट दिखावा। भगवान कहते हैं सब कुछ उठा के फेंकना होगा, और जिस अवस्था में तुम पैदा हुए थे वापस उसी अवस्था में अंदर से जाना होगा। देखिए, हम जब पैदा हुए थे हमें कोई बीमारी नहीं थी। कितने मास तक हम अपनी माँ का फीका दूध पिए, बोर नहीं हुए, ये नहीं कहे कि चीनी डालो तब दूध लेंगे। लेकिन हम जब थोड़े से बड़े हुए तो माँ ने बाहर का दूध पिलाया, उसमें चीनी डाल दी। अब हमारी जिह्वा पर चीनी आई, और वो जब हम पीते रहे कुछ दिन तो चीनी की बीमारी लग गई। अब बिना चीनी के पिया ही नहीं जाता है। एक दिन घर में चीनी नहीं थी, माँ ने फीका दूध दे दिया, हमने फीक दिया। ये क्या है, चीनी के साथ दो। बेटा तू तो मेरा फीका दूध लेता था, उस समय तूने कुछ कंप्लेंट नहीं किया? मम्मी आपने तो चीनी वाला दूध पिलाया ना, वो चीनी की आदत हो गई। और वहां से आदतें बिगड़ने लगी। पहली बार बच्चे के मुंह में उस सब्जी की उंगली डाली जाती है, उसको सब्जी चटाई जाती है, उसका चेहरा लाल हो जाता है, क्या खिला दिया। लेकिन फिर आदत हो गई तो अब शट रस चाहिए। यदि नमकीन नमकीन मिले तो क्या नमकीन नमकीन दे रहे हो, खट्टा दो। यदि खट्टा खट्टा मिले तो मीठा दो, मीठा मिले तो कड़वा दो। वो शट रस की बीमारी लग गई ना। इसी प्रकार से हम लोग ये चालाकियां भी अपने अंदर भर लिए, और यही बाधा डालती भगवान की शरणागति में। तो हमें सरल बनना होगा। माइंड मैनेजमेंट, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, पावर ऑफ थॉट्स आदि प्रेरणादायक एवं आध्यात्मिक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें स्वामी मुकुंदानंद हिंदी यूट्यूब चैनल को, और बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आपको ये वीडियोस मिले सबसे पहले।